पाँच को मिनट और। मामा आज ना मिल गई ना। जाइना वेट। अच्छा पहले आप स्टोरी सुनाओगी कि मैं आप सुनाओगी? चलो आप सुनाओ। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक हॉरर क्लाउन थे जो हाँ उनकी सुनाऊंगी। अच्छा राबिया पी ने मुझे सुनाई थी। हाँ उसको ना उसके नहीं बताना। अच्छा सुनाओ। एक ना क्लाउन होता है हॉरर क्लाउन तो ना नहीं पहले ना एक लड़का होता है ठीक है और ना उसका छोटा भाई होता है। अच्छा जो ना 12 इयर्स का होता है और वो 20 इयर्स का होता है ठीक है। अच्छा तो ना वो कहता है तो ना उन लोगों को ना खाना नहीं मिल रहा होता। अच्छा ठीक है तो ना वो कहता है हम लोग कहाँ से खाना ढूंढें। वो ना उनके पास ही ना उनके थोड़े दूर ही ना एक शहर होता है। अच्छा उधर ना उधर खाना होता है बहुत सारा। तो वो कहते हैं कि एक ही रास्ता है उधर जाके खाना ले आते हैं। तो वो कहता है आप ना जाओ मैं उधर ही ले आता हूँ। तो वो छोटा भाई कहता है मैं ही ले आता हूँ। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है। तो वो जाता है। अच्छा छोटा भाई तो ना उसकी जो बोट वो ना जब उतरा ही होता है पानी से उसकी बोट एक नाले में गिर जाती है। अच्छा वो उसमें उस नाले में ना क्लाउन रहता होता है जो हॉरर क्लाउन नहीं होता क्लाउन सॉरी वो रहता होता है। अच्छा। तो ना उसको ये वो बाहर आता है और ना वो कहता है मैं आपकी बोट तो दे दूंगा लेकिन आपको नीचे आना होगा। तो ना वो नीचे आता है। अच्छा नीचे तो वो नीचे आता है वो जो क्लाउन होता है वो उसके भाई को खा जाता है। अच्छा ठीक है और अब इसके बाद ना एक ना बच्ची होती है और उसके मामा होती है। उसकी मामा जो होती है ना वो एक शो में आई होती है और वो बोर हो रही होती है। अच्छा तो वो सोचते हैं कि मैं ना उसको ना एक तितली नज़र आती है। अच्छा। उसके पीछे जाती है और ना वो एक पेड़ पे जाके रुकती है। तो ना वो जान उसको पकड़ने लगती है। जो पेड़ होता है ना उसके अंदर से हाथ बाहर निकलते हैं। अच्छा तो वो कह रहे होते हैं कि इधर आओ इधर आओ लेकिन अच्छा। वो आती नहीं है फिर अंदर चले जाते हैं। अच्छा। तो ना उसको वो एक क्लाउन मिलता है उधर खिलौना साथ। अच्छा तो जैसे ही उसको मिलता है ना क्लाउन तो क्लाउन कहता है कि मेरे से हैंडशेक कर लो। वो कहती है नहीं मेरी मम्मा ने मना किया। तो वो कहता है हैंडशेक तो कर लो। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। वो जैसे ही हैंडशेक करती है ना वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसको भी खा जाता है। अच्छा फिर ना उसके जब उसके बड़े भाई को पता चलता है ना ठीक है तो वो ना अपने तीन दोस्तों को ना साथ लेकर आता है ठीक है और ना वो जाता है अंदर गुफा। अच्छा। के अंदर तो वो ना गुफा किसको बोलते हैं? वो गुफा के अंदर रहता है ना। गुफा किसको बोलते हैं? पहाड़ को गार को। हाँ गार को या शेर वगैरह नहीं आता तो ये आपको पता होना चाहिए ना बेबी। अच्छा अच्छा तो ना उसका भाई जाता है क्लाउन उसको भी खा जाता है लेकिन उसके फ्रेंड ना किसी तरह से बच के ना चले जाते हैं घर में। तो वो ना जब वो छोटा होता है 20 ईयर्स का तो वो ना उसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं जैसे 30 ईयर्स के 34 ईयर्स के कोई 34 कोई 30 कोई 37 कोई 38 इस तरह के हो जाते हैं। तो वो ना उनको ना वो बात याद आती है कि हमारा जो फ्रेंड था ना अच्छा उसको ना क्लाउन ने मारा तो ना वो बदला लेना चाहते थे तो ना उन्होंने पता क्या किया वो ना क्लाउन के घर में गए। अच्छा और ना वो उन्होंने देखा क्लाउन ना सो रहा था। अच्छा तो उनको ना सामने एक बड़ा ना बलून दिखा। अच्छा उन्होंने ना देखा तो जैसे ही उन्होंने देखा ना बलून को क्लाउन उठ गया।
अच्छा ठीक है, उसने कहा इस बैलून को हाथ भी ना लगाना। वो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं बस ऐसे ही हाथ ना लगाना वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा। वो ना उसको फोड़ते हैं बैलून को, ठीक है। तो वो कहता है इस उसका ना जो होता है ना दिल क्लाउन का वो उस बैलून के अंदर होता है। अच्छा, वो इसी वजह से मना कर रहा होगा ना। हाँ, और बता रहा भी नहीं होगा। हाँ, और जब वो खाते हैं ना बैलून उसके अंदर से खून निकलता है। अच्छा। हाँ, और वो कहता है कि मेरे दिल को ना मारना, ना मारना वो मार दिल को ना मारना या मेरे ना ओहो मतलब मुझे बैलून को ना मारना। हाँ, बैलून को ना मारना वरना मैं मार दूंगा। वो लोग ऐसे मारते हैं तो फिर वो क्लाउन मर जाता है और फिर वो लोग जीत जाते हैं। अब आप सुनाएं। ठीक है, ये हॉरर थी। हाँ, वेरी गुड जाना, वेरी गुड। मोमो में आपको हॉरर सुना। अच्छा, मैं अब आपको सुनाने लगी हूँ एक फ़नी सी स्टोरी, ठीक है? फनी भी और सबक अमूज भी, जिससे लेसन मिलता है। अच्छा, एक ना बकरी होती है तो उसके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है जोजो और एक का नाम होता है मोमो। तो ना वो दोनों ना बड़े शरारती होते हैं, तो ना वो एक जंगल में रहते हैं, तो उनकी शरारतों से ना सारे ही बड़े परेशान होते हैं। तो उनके साथ वाले हमसाए में ना एक वो रहती है भेड़, नहीं होती भेड़, और एक तो भेड़ होती है ना, एक बकरियां होती हैं है। नहीं भेड़ किस तरह जो फर वाली नहीं होती। हाँ, हाँ, उनको भेड़ बोलते हैं। हाँ। अच्छा, वो उनके हमसाए में ना वो रहती है। हाँ। तो वो जो भेड़ होती है ना उसका एक ही बेटा होता है और उसका नाम होता है बोलू। बोलू नाम होता है। हाँ। और वो जैसा उसका नाम है ना बोलू, वैसा ही वो खुद भी भोला भाला होता है। मतलब वो शरारती नहीं होता, लोगों की बातों में आ जाता है और लोग उसको ना बड़ा ज़्यादा पागल बनाते हैं। तो उसकी जो माँ होती है ना, वो जब पागल बन जाता है ना तो बेचारा फिर आके घर होता है, क्योंकि सारे उसको पागल बनाते हैं। हाँ। तो जो साथ वाले हमसाए होते हैं ना, वो उनके जो बच्चे होते हैं जोजो और मोमो, वो ज़्यादा उसको तंग करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये ना बेवकूफ़ बन जाएगा तो हम इसको ना वो कर देंगे, बंद कर दिए हम ना इसको वो कर देंगे, क्या उसका नाम है, कोई ना इसको शरारत में फंसाएंगे और ये जनाब फंस जाएगा और उसके बाद ये रोएगा और फिर हम हंसेंगे। तो ना उसकी जो मामा होती है ना, वो बड़ी परेशान होती है, क्योंकि उसके बेटे को हर कोई तंग करता है। हर किसी की माँ का शौक होता है कि मेरे बच्चों को ना कोई तंग ना करे, क्योंकि माँ को प्यार होता है ना अपने बच्चों से, पता ना आपको। तो वो ना बेचारा खेलता भी उनके साथ है, क्योंकि वो उसके हमसाए होते हैं और वो उसको अपनी बातों में लगा लेते हैं, वो बड़े तेज़ होते हैं। तो एक दिन वो उसको कहते हैं कि आओ ना हम लोग ना, हाँ थोड़ी सी फनी है, एक दिन ना उसको कहते हैं कि आओ हम लोग ना खेलें। तो ना वो कहता है अच्छा चलो आओ खेलते हैं। तो वो ना जंगल में आगे जाके खेलते हैं, तो उधर ना बड़े ज़्यादा ना पत्ते पड़े होते हैं। तो कहते हैं बोलू आपने ऐसा करना कि आप हम ना इसमें जंपिंग करते हैं, और सबसे पहले जंपिंग जो है ना वो आपने करनी है। वो कहता है मैंने क्यों करनी है? वो कहता है कि भाई बारी बारी करेंगे ना सारे, पहले आप से स्टार्ट करते हैं फिर हम दोनों से स्टार्ट करेंगे। कहता है अच्छा चलो सही है। तो ना वो कहते हैं अच्छा चलो सही है, ऐसे कर लेते हैं। तो ना कहते हैं ज़ोर से जंप मारनी है। कहता है अच्छा चलो सही है, जितनी ज़ोर से मारेंगे उतना ही हमारा जो है ना वो खेल अच्छा होगा, और जिसकी ज़्यादा जंप अच्छी होगी वो उतनी ही ज़्यादा वो जो है ना वो जीतेगा। तो ना वो और खुद ना दूर जा के ना खड़े हो जाते हैं कि हम दूर से ना आपको देखेंगे। वो जब दूर ना हिल रहे, बहुत ज़्यादा हिल रही हो जान, चला। अच्छा, तो ना वो कहते हैं 1 2 3 वो ज़ोर से जंप मारता है। हाँ। तो अंदर ना वो होता है क्या उसका नाम है, कीचड़ होता है। हाँ। पत्तों के नीचे, और वो दड़म करके कीचड़ के अंदर गिरता है और सारे उसके मुंह के ऊपर कीचड़ लग जाता है, और वो ना भूत सा लगने शुरू हो जाता है और वो हंसना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं वो देखो बोलू भूत, वो देखो बोलू भूत। वो कहता है मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं सारे। फनी है, मुझे फनी है, फनी है।
अपनी अपनी ड्रोनी का नहीं था पता, वो ड्रोनी थी हैं हैं, तो आपके होनी थी हैं, तो ना वो भूत बन जाता, वो कहते मुझे मेरी बाबा के पास जोड़ा, वो हंसते हैं, वो कहते हैं बोलू का मुंह देखो, फिर वो जहाँ जहाँ से गुजरता तो सारे कहते हैं बोलू भूत तो वो ना इतना रोता है, वो जाता है घर तो अपनी माँ को जाके कहता मामा उन्होंने ना जोजो और मोमो ने मेरा मजाक इतना बनाया, मुझे कीचड़ के अंदर फेंक दिए, तो ये देखिए मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। उसकी मामा कहती है मैं कितनी दफ़ा आपको कहा है कि आप उनके साथ ना खेला करो, आप उनके साथ खेलते हो ना तो इसी वजह से आप फिर गंदे हो के आ जाते हो, अब ना मैं देखूँ कि आप उनके साथ खेल रहे हो। तो अच्छा मामा आइंदा से कोशिश करूँगा। तो ना कहती अच्छा चलो सही है, आप ऐसे ही कहते हो लेकिन आप फिर उनकी बातों में आ जाती हो, आपको समझ ही नहीं लगती कि वो इतने शरारती बच्चे हैं और इतने बदतमीज़ हैं, वो हर किसी कोई उनसे ना तंग है। तो कहते अच्छा मामा आइंदा से नहीं करूँगा। तो उसकी मामा छोड़ो, उसकी मामा ना उसको वो करती हैं, साफ़ करती हैं, और क्या उसका नाम है वो, उसका सारा गंद मंद उतारती हैं। इधर इधर इतने ठहर जो, एक मिनट वो बुई पकड़ लूँ ना, तो यार बुई निकल जाएगी हाथ से बेटे, एक मिनट चलो। बुई जब आप अपनी माँ से बोल रही हैं, आप अपने हैंड से तो नहीं बोल रही ना? पाँव से बोल रही हूँ मामा आपको मैं। अच्छा अच्छा, तो ना वो दूसरा दिन होता है, तो ना वो कहते हैं जोजो और मोमो कहते हैं मुझे ना आज फिर कोई शरारत जहन में आ रही है। तो वो कहता है कि क्या करें, वो कहता है कि ऐसे करते हैं कि आज फिर ना बोलू को ना पागल बनाते हैं। वो कहता है अच्छा वो कैसे, कहते मेरे जहन में ना एक आइडिया है, बोलू पागल बन जाएगा और जब वो पागल बन जाएगा ना हम इसका मजाक उड़ाएंगे। कहता अच्छा चलो सही है, ये बात तो सही है। तो ना वो बोलू की मामा ना खाना लेने गई होती हैं, तो कहता है बोलू ऊपर से आवाज़ लगाता है बोलू, वो कहता है मैंने नहीं आप लोगों के साथ खेलना, कहता है बोलू बात तो सुनो, कहता मैंने नहीं आप लोगों के साथ खेलना, मेरी मामा ने मना किया, आप लोग है ही गंदे, आप लोग हमेशा ना गंदी बातें करते हो और आप लोग ना मेरे साथ मेरा मजाक भी उड़ाते हो, आप लोग है ही गंदे। तो वो उसकी मामा कहते और मेरी मामा ने ना मना किया कि मैं आप लोगों के साथ ना खेलूँ, वो कहते हैं नहीं पागल आज हम आपका मजाक नहीं उड़ाने आए, आज हम आपके साथ खेलने आए हैं वाकई में, और अच्छा खेल खेलेंगे हम। कहता नहीं मैंने नहीं खेलना, मेरी मामा ने मना किया, मैंने कहा है ना। वो कहते हैं अच्छा चलो आ जाओ ना खेलते हैं, हमारे साथ कोई और खेल ही नहीं रहा। वो कहते हैं इस वजह से क्योंकि आप